लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये हमारी पुलिस एकेडमी है। हर किसी के लिए ये एकेडमी है, पर मेरे लिए ये एक मंदिर है। बचपन से ही हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सोचता है, लेकिन मैं हमेशा एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, क्योंकि ये मेरे पिता का सपना है और उनकी आखिरी ख्वाहिश भी। आज अपनी मंजिल के इतने करीब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और दोस्तों की वजह से पहुंचा हूं। उन सभी के लिए मैं जरूर जीतूंगा और जल्द ही एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा। इसकी चीख सुन सुन के कान पक गए हैं। अरे कपाली उस्ताद को बोलो क्रिया कर्म करके खत्म कर दे। अरे कल बॉस आ ही रहे ना, फुल एंड फाइनल कर देंगे इसका। क्या रे, बॉस के मोबाइल के ऊपर नजर रखेगा ना? आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, आखिरी बार कह दिया। कपाली, ये तो बिल्कुल तंदूर चिकन के माफिक दिख रहे लाए। बोटी वोटी करके मार्केट में भेज दूं क्या? कपाली, माफ कर दो मुझे। क्या माफ कर दूं? तूने जो किया, अगर मामूली गलती होती तो शायद मैं तुझे माफ भी कर देता, पर तू तो आस्तीन का सांप निकला। जानता है सुपारी लेकर एक गैंगस्टर को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? जिगरा, फौलादी जिगरा। बोल, क्यों किया ऐसा? बीवी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए ना?
तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम्हें जो करना मेरे साथ करो, पर मेरी बीवी को छोड़ दो। पूरी दुनिया कपाली के बारे में जानती है, एक बार सनक गई तो फिर तबाही, लाश भी नहीं मिलेगी, सिर्फ राख ही राख, ना क्रियाकर्म ना कोई डेथ सर्टिफिकेट। इसकी बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दो इसके सामने। ऐसा मत करो कपाली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आप? अरे मैडम, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी है, फाइन देना पड़ेगा। हर जगह नो पार्किंग के साइंस लगे हैं, तो हम कहाँ पार्क करें? मैं कोई फाइन नहीं दे रही। बिना फाइन दिए आप गाड़ी नहीं ले जा सकती हैं मैडम। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं ले जा सकती। ओ मैडम, एक तो रूल्स तोड़ती है और ऊपर से मुझ पे जोर दिखा रही है। क्या सर, लड़की पर रौफ जमा रहे हो? हां, तू सोचता है पैसों के लिए लड़की को डरा देगा? ओ मिस्टर, जरा जुबान संभाल के, इनका व्हीकल नो पार्किंग जोन में है, इन्हें फाइन तो देना पड़ेगा। फालतू बहस मत करो। फाइन नहीं देगी तो क्या कर लेगा? टोइंग वैन बुलाऊंगा और सीधा थाने में ले जाऊंगा। ठीक है, ले जाके दिखा। पुलिस हमारी रक्षा के लिए है और ये रक्षा ही कर रहे हैं, इसलिए आइंदा अपना हाथ सैल्यूट करने के लिए उठाना, इन्हें मारने के लिए नहीं। ओए टकले, चल पुलिस से माफी मांग। माफी और मैं? पागल हो गया क्या? सॉरी सर,
सॉरी सॉरी प्लीज माफ कीजिए सर, मुझे जाने दीजिए सर, मुझे प्लीज। माँ मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाए। आशीर्वाद दो माँ। मम्मी जी हाँ, मेरी और अपने बेटे की जल्दी शादी हो जाए यही प्रार्थना देवी से कर रही है ना? तेरी शरारती बिना कब आई तू? बस अभी अभी। राना कहाँ है? वो तो कुलदेवी के मंदिर गया है। तागे, तागे, करुणा दी काये, तागे, तागे। की तू माँ है, ऊंचे पहाड़ों पर तेरा तेरा माँ है, तुम सारे हर रेती पल में ही तू, मन में जिसे पूछे हम भक्त वो है तू, तू एकमात्र आस्था है आराध्या है तू, तेरे भक्तों को देती है सौभाग्य माँ तू, तू सारे संसार की श्रेष्ठ देवी, रखवारी तू सबकी करती है देवी। का बाप यहाँ है मतलब दोनों की शादी पक्की हो गई क्या? नहीं रे, वो लोग यहाँ खेल खेलने आए।
पागल वो राजी है तभी तो आए, वरना फालतू में कौन आएगा। मैं तो चाहता था कि मेरी इकलौती बेटी किसी डॉक्टर या इंजीनियर से शादी करे, पुलिस वाले से शादी करे ऐसा नहीं चाहता था। सुनिए जी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेटी की खुशी के लिए तो हम। क्यों सर, क्या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर से फैमिली बनाने के लायक हैं? जरा नजर उठाइए और देखिए, टैक्सी और ऑटो चलाने वाले, होटल में काम करने वाले और यहाँ तक कि दिहाड़ी मजदूर भी कैसे अपना परिवार चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सर, जो ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाता है ना, वही असली राजा होता है। अगर आपको मेरी पुलिस की नौकरी पसंद नहीं तो मुझे भी आपकी बेटी नहीं चाहिए। नमस्ते। अरे राणा, कहाँ जा रहे हो? राणा, मुझे पता है पुलिस ऑफिसर बनना तुम्हारी प्रायोरिटी है। पता नहीं तुम्हारे पापा को मेरा पुलिस बनना क्यों पसंद नहीं, क्या पुलिस वाला परिवार नहीं चला सकता? पापा से मैं बात करूंगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। ए बिड़ू, सबके सब इतने शाने कैसे हो गए वे? आज के लिए सारे चूहे अपने अपने बिल से निकल कर गैंगस्टर बनने का सपना देख रहे हैं क्या? अरे कपाली का भाई सूरी आया ना जेल में कल, इसीलिए ये चूजे फुदक फुदक क्यों उछल रहे हैं। है कौन बे सूरी? आप उन लोग जब इसके भाई कपाली की परवाह नहीं करते हैं तो ये सूरी तो बच्चा है आप उनके सामने, उसका गेम तो आज ही बजा डालेगा मैं। शक बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करूँ? पूरा गांव पूछता है कि तू मेरी संतान है क्या, पूछने पर वो बच्चलन औरत तेरी माँ मुझे सीधा जवाब भी नहीं देती थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मेरा बेटा कपाली ही मेरे लिए काफी है, मैं उसे राजा की तरह बड़ा करूँगा, तेरी जरूरत नहीं है मुझे। साहब ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने मारा इसे। हाय दोस्त। हाय गिरी। हाँ पीछे रख दे बैग। आजा। और कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ। चल चलते हैं। राणा, तुझे बुरा तो नहीं लगा मैं लेट हो गया तो? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ इतनी ट्रैफिक में इतनी जल्दी कैसे आया। वैसे मैं लेट नहीं होता यार। क्या मतलब? मैं लेट इसलिए हो गया कि हमारे एक लड़के ने ना एयरपोर्ट के सामने सुसाइड कर लिया। सुसाइड? हाँ। लेकिन क्यों? इस शहर में कपाली नाम का एक गुंडा है, बहुत ही बुरा आदमी है वो। उसने उससे पैसे लिए थे, वो लौटा नहीं पाया। उस कपाली की वजह से एक छोटे बच्चे की भी मौत हो गई। बेरहम इंसान। वो छोटा बच्चा रोता रहा और भूख से मर गया। यही सुनने के बाद उसने एयरपोर्ट के सामने सुसाइड कर लिया। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुका, वो उसके वाइफ के पास गया और इंश्योरेंस के पैसे मांगने लगा जो उस बेचारी को मिलने वाले थे। इस ड्राइविंग लाइन में ना ऐसी परेशानी होती है। तो देख रहा है यार कितनी घटिया दुनिया है, हाँ? ये चाहते हैं कि लोग कड़ी मेहनत करें और जैसे मेहनत के लिए नीचे झुके वो इनकी पीठ पर चढ़ सवारी करें। सुन यार, जरा वो सामने मेडिकल शॉप पर रोकना, मेरा सिर दर्द हो रहा है। ठीक है। सुनिए जी, सरदर्द की गोली देना। जी सर। अरे राणा। हे, कैसे हो तुम? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ, और तुम? मैं भी अच्छी हूँ। तुम गांव में ना होके यहाँ कैसे? मैंने उस आदमी से शादी नहीं की जिसे घर वाले पसंद करते हैं। मैंने अपनी पसंद से शादी की और इससे वो अभी तक नाराज हैं। शायद जल्दी से
पोता पोती होते ही नाराजगी दूर हो जाएगी। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो क्या खबर है गांव की? क्या खबर होगी, सब लोग रोजी रोटी के लिए शहरों में जो शिफ्ट हो गए हैं। पहले वो लोग वीकेंड में गांव आते थे, लेकिन अब मंथ एंड में आते हैं। धीरे धीरे ये ईयर एंड हो जाएगा, उसके बाद गांव को पूरी तरह से भूल जाएंगे। ये मिडिल क्लास लाइफ ऐसी है, कुछ कमाने की कोशिश में जिंदगी निकल जाती है। सर आपकी मेडिसिन। थैंक यू। ये है मेरे हस्बैंड। ओह हाय ब्रदर। हेलो भाई। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। तुम्हारा फ्रेंड है। और एक पटियाला लीजिए। नहीं बहुत हुआ कपाली, मैं कहीं भी जाऊं बस इतना ही पीता हूं, इससे ज्यादा नहीं। क्यों भरोसा नहीं है क्या? कपाली का मतलब पता है तुम्हें? ताकतवर। अब किसी ताकतवर के अलावा किस पर भरोसा करूंगा। इसके अलावा तुम मेरी सारी इलीगल प्रॉपर्टीज के इकलौते हमराज हो। और तुमने कुछ दिन पहले मुझसे मटन मिक्सिंग प्लांट शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे थे ना, बिना सवाल किए दिए ना तुमको। अभी तो वहाँ सिर्फ एक सिक्योरिटी वाला रखवाली करता है। और तुम्हें लगता है तुम पर भरोसा किए बिना मैं ये सब कर रहा हूँ। सर कपाली की जो रखेल है ना, क्या गरम चीज है। आपने देखा क्या उसे सर? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वो गरम है या नहीं, वो तो एक अप्सरा जैसी है। हाथ सैनिटाइज करके उसे छूना चाहिए, और ये जंगली तो बिना नहाए ही उसे छू लेता है। इसने उस बिजनेसमैन से हड़पे हुए बंगले में छिपा कर रखा हुआ है। वो तो सोने के पिंजरे में कैद एक प्यारी सी पंछी है, क्यूट सी पंछी। पची तू वहां क्यों खड़ा है, आना इधर आ। बेटा तू कब आया बेटा? मैं अभी अपने पीए को यही समझा रहा था कि अगर वफादारी सीखनी है तो कुत्ते या पच्ची से सीखो। झूठी तारीफ से इस पच्ची का पेट कहाँ भरता है मिनिस्टर साहब, आप काफी दिल फेंक हो। पच्ची पच्ची प्लीज ये सब जाकर कपाली को मत बता देना, अगर ऐसा किया तो उसकी नजरें मेरी बीवी पर आ जाएंगी। आप वोट बैंक के ऊपर नजर गड़ा के रखिए, किसी और के दरवाजे पर नॉक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे? अपन चलता है। नमस्ते मिस्टर। सॉरी पच्ची। ओके राणा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में हैं और तुम्हारी फिटनेस भी सही है, बस ध्यान रखना तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड लक, गुड लक। एक्सक्यूज मी सर। ओके। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं यहीं एकेडमी में हूँ। मैं तुम्हारे रूम में हूँ, जल्दी आओ। ठीक, अभी आता। ओके। प्रिया तुम्हें एक बैचलर के रूम में आने से पहले दरवाजा नॉक करना चाहिए। ओ भाई उठ, प्रिया ये। कम डार्लिंग, तुम्हें पता ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ट्रू लव, ट्रू लव। तुम नहीं, सैल्यूट। तुम्हारे पति से भी ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करूंगा, आओ ना डार्लिंग। अबे क्या बकवास कर रहा है प्रिया, ये उठ। तू और तेरी प्रिया, मीठा सपना देखते वक्त कड़वी बातें मत किया कर तू। क्या वो हमारे राणा की बराबरी कर सकती है? उसका ऊपर का माला बिल्कुल खाली है। एक बार अपना राणा पुलिस में भर्ती हो गए ना, क्रिमिनल्स लोग उसे देखकर कांपेंगे, और अपना राणा जब भी प्रिया सामने आती उसे देखकर कांपने लग जाता है वो। कितनी शर्म की बात है। दोस्त मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा दिमाग लगाऊंगा राणा उस प्रिया को एकदम से भूल जाए। तू बस देख। अरे प्रिया कैसी हो? ये तो अपनी प्रिया मैडम है। अरे हॉटस्पॉट ऑन करना, मेरा डेटा खत्म हो गया यार। ब्रो वो तो तू कल भी देख सकता है ना, नहा लिया क्या? क्या नहा लिया? इतनी जल्दी कोई नहाता है क्या? नहीं नहाया अभी तक। फिर तू भींग कैसे गया? पानी से नहीं भीगा रे, ये तो पसीना है। अकेले में इतना पसीना? 1.5 GB डेटा खत्म करना कोई खाने का काम थोड़ी है। प्रिया मैं तो बस योगा वीडियोस देख रहा था। बाप रे कितनी सारी मुद्राएं होती है इसमें। शर्म करो। पर एक मुद्रा तो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। हट, हट। किसी काम का नहीं है तू, चले गए क्या? हाय प्रिया, तुमने मुझे जल्दी आने के लिए कहा, क्या बात है?
पापा शादी के लिए मान गए। सीरियसली? तुम्हारी कुंडली भी मांगी है। तुम्हारे पापा को हम दोनों से ज्यादा प्लैनेट्स की फिक्र है। देखो मैं कुछ नहीं जानती, बस एक कुंडली चाहिए जो मेरी कुंडली के साथ मैच हो जाए। ओ, अब ये भी करना होगा। यार मैं हजारों झूठ बोलकर शादी करने वालों में से नहीं हूँ। शादी करूंगा तो सच्चाई के साथ ही करूंगा, समझी? पता है तुम्हारी जॉब के लिए तुम्हारा प्यार देखकर ना पापा बहुत इम्प्रेस हो गए। पर प्रिया मैंने तो तुमसे सच ही कहा, मेरी पुलिस की जॉब तुमसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा है क्या, जॉब मुझसे ज्यादा जरूरी है? सुनो तुम्हारे दोस्त तो हमें नहीं देख रहे ना? वो कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ देखा तो मैं उनकी मेंढक जैसी आंखें नोच लूंगा। देखो हा? तुम ना इस जगह को छोड़ दो, यहाँ से ना गटर की बदबू आती है। ओके छोड़ दूंगा। ये रहे बाकी के पैसे। पुलिस बनने से पहले जोरू का गुलाम बन रहा है तू। राणा कल वो ब्रोकर आया था यहाँ, बोला कि कल 3-4 घर दिखाएगा तुम्हें। चल ठीक है, ओके बाय। देखो इसे, अभी तक इसकी शादी भी नहीं हुई और उसने ऑर्डर भी देना शुरू कर दिया। हा? तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ? मैं दुनिया पर राज करने आया हूँ, झगड़ा करने वाले को छोड़ता नहीं हूँ मैं। और उसे सिर्फ दिल दिया मैंने, हुकूमत नहीं। हाँ देखते 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 कहाँ तक चलती है तेरी हुकूमत। हाँ बाय। हाँ बाय। हाय प्रिया। नया घर लेने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? हाँ मैंने देखे हैं कुछ घर, तुम भी कुछ देख लेना। बेटा सोई नहीं अभी तक? हेलो सो जाओ जल्दी। हेलो प्रिया। हेलो ठीक है, और वो जन्म कुंडली? ओके तुम एक अच्छे से ज्योतिष को ढूंढो। अरे सारे ज्योतिष तो अब टीवी पर आने लगे, मैं किसके पास जाऊं? अच्छा ठीक है, मैं भी ड्राइव कर रहा हूं, बाद में कॉल करता हूं। okay. चलो बाय। अरे आप इतनी रात को यहां पर क्यों खड़ी हैं? चलिए मैं घर छोड़ देता हूं। नहीं जरूरत नहीं। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? 4 दिन से उनकी कोई खबर नहीं है, कॉल करती हूँ तो नॉट रिचेबल आ रहा है। क्या कहा, 4 दिन से गायब हैं? हाँ। अरे तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मुझे पता है, हमने जिनसे पैसे लिए थे उन्होंने ही उन्हें किडनैप करवाया होगा। डर रही हूँ अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट की तो वो लोग उन्हें मार देंगे। राना पिछले 4 दिन से मैं उनके पैसे लेकर घूम रही हूँ लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। कौन है वो? कपाली नाम है उसका। ओह कपाली। इस शहर में कपाली नाम का एक गुंडा है, उसने उससे पैसे लिए थे, वो लौटा नहीं पाया। उस कपाली की वजह से एक छोटे बच्चे की भी मौत हो गई। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरा एक दोस्त है निहाल, वो यहीं रहता है, वो कपाली के लिए ही काम करता है। निहाल पुलिस की तैयारी कर रहा है ना तू, फिर इस सब में क्यों पड़ रहा है? यार ये हमारे ही गांव की है। उसके पति ने गलती की है और इस बात को 1 साल हो गया है, ना पैसा और ना ही कोई ब्याज, और तो और कपाली पर पुलिस कंप्लेंट भी करवा रखी है इन्होंने। देख तू सही हो सकता है, उसकी गलती भी हो सकती है, लेकिन इसने क्या बिगाड़ा है? निहाल हम एक ही जगह से, हमें किसी को परेशानी में नहीं छोड़ना चाहिए, जितना हो दूसरों के लिए जीना चाहिए। तू कपाली के बारे में कुछ नहीं जानता राना, अगर उसके खिलाफ कुछ बोला तो वो तेरा आखिरी वक्त होगा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। देख मना मत कर यार, प्लीज कुछ कर। ठीक है तो एक काम करते हैं, कपाली का एक राइट हैंड है पच्ची, उससे बात करें तो शायद कुछ हो सकता है। 92-93-94-95-96-97 भाई हाँ। सलाम। क्या है वे? राणा। सर नमस्ते सर, मैं राणा हूँ और ये अभिषेक की वाइफ है। आप उनको इंटरेस्ट नहीं है किसी की वाइफ में, टाइम खोटी मत कर, अब बटा क्या से? ये मेडिकल शॉप ओनर अभिषेक की बीवी है। गोल गोल मत घुमा, करना क्या है? सर हम कपाली के साथ इनके लोन का जो मैटर है उसे सेटल करने के लिए आए हैं। कैसी चाय बनाई तूने? हाँ बता नहीं मैं पानी कम चाय पीता है, घटिया चाय बनाई, ले जा। हाँ तुम दोनों का मसला क्या है? भाई ये दोनों एक ही गांव से है। क्या करता है बे? मैं एक ट्रैवल कंपनी में काम करता हूँ। तू ट्रैवल चलाता है और ये तेरे गांव से है, बस इतना ही ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना? हाँ
तू शर्मा काय को रही है हा? और तू इतना घबरा रहा है, देख के ही लग रहा है कि कोई ना कोई लफड़ा जरूर है। माल कितना लाया? 2 लाख लाई हूँ। अरे एड़े कही के? कितना सोलो गिन रहा है बे? लगता है स्कूल में भेजना पड़ेगा तुझे। नहीं बॉस, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अरे तेरा पति हमारे पास नहीं है, कहीं किसी से गलत सलत सुना होगा, नहीं तो तुम दोनों में कुछ लफड़े जरूर हुए होंगे, या तो किसी आइटम के साथ भाग गया होगा। मेरे को सपना गिरेगा क्या? निकल अब, ढूंढ उसे। अरे ट्रबल, इस औरत को जरा ढूंढने में मदद कर देना। हाँ, एक ही गांव के है ना। आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? अभिषेक तो आप ही के पास है। लगता है इन्हें और पैसे चाहिए। क्या रे, ये खुसुर-पुसुर काय को? सर कुछ नहीं सर, लगता है इनके हिसाब में गड़बड़ है। आप टोटल अमाउंट बता दीजिए। 4 लाख लगेगा। बस 1.5 लाख का ही तो था लोन, अब इंटरेस्ट के साथ भी 2 लाख ही बनता है। कुछ ज्यादा ही शानपट्टी कर रही है। तेरे को लगता है मैं पैसा खाने के लिए बैठेला है? तू थी वहाँ जब पैसा दिया? अरे तेरा रोना धोना देख कर मैं अपना धंधे का उसूल छोड़ दूँ क्या? हिम्मत है किसकी, मेरे हिसाब पर उंगली उठा रही है। सनक गई ना, चीट फाड़ के रख दूंगा, खोपड़ा गरम मत कर, समझ ली? ए ट्रैवल, पतली गली से निकल ले अब। राना चल यहाँ से निकलते हैं, चल चल चलो। ए मेडिकल वाली औरत, एक ऑफर देता है मैं, अपने पंटर ने एक रिसोर्ट खुलेला, 4 डे 4 नाइट रहना फ्री, साथ रहेगी ना, हिसाब नील बटे सन्नाटा। उसके बाद तेरा हस्बैंड बिल्कुल फ्री, जमेगा ना तेरे को। चल भाई यहाँ से। वो नहीं जाने देंगे भाई, इनकी नजर मेडिकल स्टोर पर है, या तो पैसा देना पड़ेगा या फिर दुकान छोड़नी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये रहा, हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? थैंक यू सो मच यार। ए, उस मेडिकल स्टोर वाली के साथ तेरा क्या चक्कर है? वो मेरे गांव की है सर। मेरे भी कई गांव वाले हैं जो खा पी कर गले मिलकर खिसक जाते हैं। तू अच्छा है रे, दिल दरिया है तेरा। और वो समंदर भी, क्या बताओ बॉस, वो औरत एक पटाखा है। ए, भूर काय को रहा है बे? ज्यादा गांव वाली का राग आना पेगा ना तू। ए, गांव वाली के लिए इसकी हमदर्दी है समझा? हमें तो अपने पैसों से मतलब है, वो मिल रहे हैं ना, चल बैठ जा। शुरू तो इसने किया था कपाली, तू घर को नहीं जा पाएगा, तेरी तो मैं बोटी बोटी कर देगा। ए, पूरी रकम लाया ना? पूरे 4 लाख लाया हूँ। ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था, गोनी में डाल के मारना मांगता था। अभिषेक हम पहुंच गए घर। अभी क्या हुआ तुम्हें? मैं मदद करता हूँ राणा। अभिषेक आराम से। थैंक यू राणा। ये क्या कर रही हो? अभिषेक संभल कर, अब सब ठीक हो गया। अभी क्या हुआ? अब जाइए और पानी लेकर आइए। इस तरफ आओ। अच्छा ये कहाँ मिलेगा बता सकते हैं क्या? उस तरफ। क्या हुआ? रिसेप्शन पर इतनी परेशान होकर क्यों बैठी हो तुम? उन दोनों को देखो, दुनिया से बेखबर, प्यार में एक दूसरे में खोए हुए हैं। और एक मेरा बॉयफ्रेंड है जो प्यार को छोड़कर इधर उधर की सारी बातें करता रहता है। तूने बोला तो उसने अपनी कुंडली दी ना, तो फिर खुश होने के बजाय पागल क्यों हो रही है? जस्ट इमेजिन, तू और तेरे बॉयफ्रेंड के अलावा पूरे घर में और कोई भी नहीं है। बॉयफ्रेंड और मेरे लिए? वैसे मुझे अभी भी उम्मीद है। तू सिर्फ एक लो कट स्लिप पहनी हुई है और वो अचानक अंदर आता है। हे प्रिया, अरे बाहर आओ ना, बात करनी है तुमसे। तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मी पड़ोस में गई हैं, कभी भी आ सकती हैं। ए प्रिया बाहर आओ ना, मुझे बात करनी है तुमसे। नहीं आ सकती, क्या बात करनी है वहीं से बोलो। तुमने कुंडली के लिए बोला था ना, मैं ले आया हूँ। हाँ वहीं रख दो, मैं ले लूंगी। अरे ये कुंडली है, इसे ऐसे ही कहीं नहीं रख सकते, अपनी होने वाली बीवी को ही दी जाती है। अरे आओ ना। ए प्रिया वही रख दो और जाओ। ठीक है तो अगली बार आऊंगा तब लाऊंगा। ओहो अच्छा रुको एक मिनट, लाओ दो कुंडली, जल्दी से निकल जाओ, मम्मी बस आती ही होंगी। वैसे मैं ये कह रहा था कि कल लंच बॉक्स लेकर मत आना, हम बाहर खाने जाएंगे। ओके? इतनी जल्दी लंच का प्लान कैसे? अरे यार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बाहर लंच के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी, है ना?
ठीक है तुम जाओ, मैं कल लंच पर आती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। पहली बार तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे ऐसी ड्रेस में देखा है, कैसा फील होगा तुझे? तू इस बात के लिए परेशान है ना? जाने देना, अभी तक तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सा तरीका हुआ कि तेरे घर में ऐसे ही घुस आया? दिमाग नहीं है क्या उसमें? ये बात नहीं है। तो क्या बात है? तुम्हें ऐसी हालत में देखकर फिर भी कुछ ना करना, ये नॉर्मल है क्या? कैसा लगेगा? इडियट, मेरी जवानी तो ऐसे ही जाएगी। इतनी सी बात, मुझे लगा कि अंदर घुसकर तुझे सिंगल स्लिप में देखकर उसने कुछ किया होगा जिससे तू परेशान हुई। इससे क्या मतलब है तेरा? मैं हॉट नहीं हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इस जनरेशन के लड़के ना बिल्कुल लल्लू हैं। मुझे ऑफिस से सिर्फ एक घंटे का ही ब्रेक मिला है, हम दोनों लंच के लिए कितनी दूर जा रहे हैं? क्या यार, दिक्कत क्या तुम्हारी? कुछ देर मिलने के लिए भी तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है। मुझे परमिशन सिर्फ लंच के लिए मिली है, भागकर हनीमून के लिए नहीं। अरे वो तो बाद की बात है, अभी तो थोड़ा रोमांस कर ले। मुझे पता है कितने रोमांटिक हो तुम। क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं। वैसे सुबह तुम्हें उस हालत में देखकर मेरे मन में लड्डू तो जरूर फूटा था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। अगली बार चौका मारूंगा। चौका मौके पर ही मारना चाहिए। अरे वो फर्स्ट इनिंग्स थी, सेकंड इनिंग्स आने दो। वैसे मानना पड़ेगा, सुबह नहाने के लिए तुम जा रही थी और पानी पानी मैं हो रहा था। नजर हटी, दुर्घटना घटी, सामने देखो। जैसा आप कहें। कान खोल के सुन, फिरौती का दाम मैंने तय किया है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो। बॉस, वो ट्रेवल वाला है ना, वो एक लौंडिया लेकर आया है। जाकर देख क्या लफड़ा है। ठीक है बॉस। बॉस, वो अच्छा लड़का है, लंच के लिए आया होगा। बॉस, उसने खाना ऑर्डर किया है। उस पर अच्छी तरह नजर रखना। जरूर बॉस। कैन आई टेक योर ऑर्डर सर? प्रिया, तुम ऑर्डर करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूं। एनीथिंग स्पेशल? वेज और नॉनवेज मैम? हमारे आदमियों की जम के पिटाई कर रहा है। क्या बक रहा है? बॉस। प्रिया। ये सैलेड भी खाओ, फाइबर होता है। नमस्ते सर।
थे। अरे कोई नहीं, तुम खाओ। कपाले, खबर मिली है शहर में दो गैंग आई है तुम्हें टारगेट करने। कौन है वो लोग? डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन। उन गधों को जरा भी अंदाजा है कपाली कौन है? कपाली के नाम से शहर में दहशत फैल जाती है। कपाली, ये जो गुंडागर्दी है ना, सांप सीढ़ी का खेल है। किसी को नहीं पता कब सीढ़ी मिल जाए या कब जहरीला नाक डस ले, समझ रहे हो ना? जरा संभल के। यही कपाले का गोडाउन है, यही उसने तुम्हारे भाई और उसकी बीवी को तड़पा तड़पा कर मारा था। सारे गैर कानूनी काम यही होते हैं। उनकी लाश का भी नहीं पता चला। जरा रोक सर। ए, इधर आ। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? हम लोग कपाली के आदमी हैं साहब। वो प्रकाश की गैंग वालों ने कपाली को मारने की प्लानिंग कर रखी है, इसलिए बॉस ने हमें अलर्ट रहने को कहा है। शायद ये कपाली के बारे में ज्यादा नहीं जानते। चुपचाप इन्हें खत्म करो और जल्द से जल्द फूट लो। पब्लिक और मीडिया को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है साहब। आइए सर, आ जोई लो। पक्का वास्तु के हिसाब से बना है। मान लीजिए कि फैमिली के लिए ही बना है। मियां बीवी के बीच झगड़ा हुआ ना, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बता रहे मेरी शादी नहीं हुई। अरे वो सब हो जाएगा, आप अंदर आइए ना। आइए, देखो मैं तो राशि के हिसाब से पत्रिका पढ़ता हूँ जी। योग तो अच्छा है ही, एक बार पत्रिका मिला ली ना तो सोने पे सुहागा है जी। मुझे घर पसंद है सर, फाइनल करते हैं। ये रहा आपका एडवांस। ऐसा है कि हाँ, बोलिए ना। एक बात बतानी थी। वो क्या? वो जो सामने बंगलो है ना, उसकी तरफ कभी मत देखिएगा सर। लेकिन क्यों? वो कपाली की रखेल का घर है, सो कीप डिस्टेंस। सब लोग कहते हैं कि वो दिखने में बहुत सुंदर है, तुमने देखा है? बस सुबह 7 बजे दूध वाला आता है, फिर एक सब्जी वाला आता है, लेकिन वो कभी नहीं आती। ए, तुम क्या यहाँ चौकीदार की तरह ड्यूटी कर रहे हो? अरे लगता है बहुत डिटेल्स ऑब्जर्व कर रहे हो। या अब घर के आसपास नजर तो रखनी ही चाहिए ना। स्वीट हार्ट, मैं पुलिस वाला हूँ, बदमाश नहीं। अरे हाँ, मैं मिठाई लाई हूँ, मैंने बनाई है। अच्छा, कैसी है? इसमें मीठा थोड़ा कम है तो। अरे मेरा फोन कहाँ है? किचन में होगा। मम्मी का मिस कॉल है। तो कर लो कॉल। देखो अभी शादी में वक्त है, ये सोचकर दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी करने की हिम्मत मत करना, समझे? वैसे भी मुझे तुम्हारे वो गंदे से दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं। ब्रोज, लगता है इंडस्ट्री के टॉप एक्टरों के साथ काम किया है इसने। कपाली के प्यार में पड़ के यही बस गई है वो। कोई पता नहीं लगा पाया भाई कि लड़कियां क्यों और किसके प्यार में पड़ जाती है। ऐसा क्या ब्रो? मुझे तो लगता है विलन जैसे फिल्मों में खून से नहाता है ना लोगों के, उसी तरह वो दूध से नहाती होगी, इसलिए इतनी गोरी है। पर मैंने कभी देखा नहीं उसे नहाते वक्त। ओए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इसे तुम मिठाई कहते हो? ये भी कोई खाने की चीज है क्या? कहाँ से लाया इतना बकवास आइटम? अबे चुप हो जा भाई, अगर ये किसी ने खा भी लिया ना तो मिठाई खाना छोड़ देगा। स्वीट के नाम पे सिर्फ शक्कर का पानी लगाया हुआ है इसमें, समझा? अरे प्रिया, तुम कब आई? मिठाई खाओगी? बहुत ही घटिया और बकवास मिठाई है, जिसने भी बनाया ना। प्रिया, अरे सुनो, अभी घर बसा तोड़वाएंगे सारे। प्रिया इस तरह क्यों चले गई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? उसको जाने देना यार, हमें तो बस गृह प्रवेश से पहले बियर की बोतल खोलनी है, बस। अबे तूने सब बिगाड़ दिया। मोटे, तूने लड्डू खाया ना तो रिव्यू देने की क्या जरूरत थी? उसी ने बनाए थे वो। ऐसा? तेरी वाली थी इसलिए सिर्फ रिव्यू दिया है, मेरी वाली होती तो छोड़ देता मैं। समझ बात को, भूताएगा आपको। इसीलिए तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब मुझे पता है अच्छे नहीं बने, लेकिन लड़कियों से ऐसे झूठ अक्सर बोलने पड़ते हैं। वो गेंदा हो तो उन्हें गुलाब कहना पड़ता है। अरे राजा हरिश्चंद्र तक ने अपनी बीवी से झूठ बोले यार, हम किस खेत की मूलियां हैं? ऐसा क्या? प्रिया, प्रिया मेरा वो मतलब नहीं था। प्रिया, अरे बहुत अच्छे बने प्रिया। अरे सालों, आपको विश्वास नहीं करेगी। विश्वास नहीं करेगी? अब नहीं करेगी, 100% नहीं करेगी। बॉस,
कपाली के ऊपर जिसने हमला किया है उसी ने आपको टारगेट बनाया होगा। बिल्कुल नहीं, उस बंदे ने पक्का प्लान बनाकर टारगेट किया है। वो लौंडे को मैं जानता हूँ। हमला करते वक्त इसीलिए थोबड़ा छुपाया था उसने। एक बार हत्थे चढ़ गया ना, उसकी बोटी बोटी ना करूं तो। हाय दी। हाय। हेलो, ए प्रिया, ए स्वीट हार्ट, अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। तुम्हें पता है मैंने उन सबको भगा दिया है। हा? तुमसे नजरें नहीं मिला पाएंगे, वो सारे के सारे बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज स्वीट हार्ट, आई एम सो सॉरी एंड आई मिस यू। प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। दी, आपका फोन स्पीकर पे है। प्रॉमिस, आगे से कोई गड़बड़ नहीं। काटने की जगह मैंने कॉल उठा लिया। हेलो भाई, तेरा ऐसा उतरा हुआ चेहरा देख कर ना हमारे गले से दारू नहीं उतर रही है। अबे ओ, रहने दे। ब्रो, मुझे पता क्या करना है, मैं करूंगा। बेटा तू अपनी दारू खत्म कर ले, वही बहुत है। खत्म करो। ठीक है। कल वो पूरे दिन मुझे फोन करता रहा, मैंने तो उसका फोन ही नहीं उठाया, लेकिन आज उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। लो आ गया। अब जब कॉल कर रहा है तो तू उठा क्यों नहीं रही है? ओ हेलो, हर किसी का फोन उठाना कंपलसरी है क्या? अरे सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है। इस तरह का एटीट्यूड भी सही नहीं है। अरे राणा मुझे कॉल कर रहा है। बात कर। ओके। और बोला कि मैं यहाँ नहीं हूँ। हेलो। हाय स्नेहा, कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ। वो प्रिया यहाँ नहीं है? मैंने तो तुमसे बात करने के लिए कॉल। मुझसे? हाँ हाँ तो बोलो। क्यों? मैं तुमसे बात नहीं करता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम बोलो। अरे दे मुझे फोन, दे हट ना। कहाँ ना दे। अरे हेलो। हाँ क्या बात करनी थी? वो मैं पीठ पीछे मेरी दोस्त से बात कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। सामने आने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए तो मैं तुमसे ये सारी बातें तुम्हारे पीछे खड़ा होकर कर रहा हूँ। मेरे पीछे यहाँ भी आ गए? गुस्से में और प्यारी दिखती हो। मुझे नहीं खेलना ये गेम। ए स्नेहा कहाँ जा रही हो तुम? रहो। अरे कोई पर्सनल बात नहीं करनी है मुझे। वो उसे छोड़ो, यहाँ बैठो। अच्छा मैंने कॉल नहीं उठाया तो तुमने उसे कॉल कर दिया? पड़ोसी का दरवाजा खटखटाने से कभी कभी अपना खुल जाता है। ऐसा क्या, तो खटखटाओ पड़ोसी का दरवाजा। हे प्रिया, हे, अरे सुनो ना, अरे मजाक कर रहा था मैं। आई लव यू यार। एंजॉयमेंट करो नॉनस्टॉप, मौज मस्ती ना होने दो स्टॉप। एंजॉयमेंट करो नॉनस्टॉप, मौज मस्ती ना होने दो स्टॉप। आधा हया की मूरत हो चंदा की, तेरी खुशबू से महकी दुनिया मेरे दिल की। हो जा तू राजी, बन जाऊं मैं साथी, प्यार को किसी की जरूरत न बाकी। तू जो कहे फिर क्यों डरे, ऑफिशियल प्यार की पप्पी अपना हार्ट तो सिंक हो गया, हैंडसम है तू, बिरकू मैं हूँ, कुंडली दोनों की स्ट्रॉन्ग बड़ी है।
हमसे कर गए वे वो अपनी जोड़ी सुपर तू पास में तेरे जब होती हो लगता मौसम विंटर हो आगले से लग जा मेरे मैं तेरा हिटर हूँ तू ही अपनी सुपर हिट है पटुका में सबको स्वीट यू चले तेरी मेरी जर्नी यार उस चांद से बहुत दूर गली बॉय है तू सिरी गर्ल मैं हूँ अपना हार्ट तो सिंक हो गया Handsome है तू, beautiful मैं हूँ, कुंडली दोनों की strong बड़ी है। Gully boy मैं हूँ, city girl है तू, अपना heart तो sink हो गया। Bad boy मैं हूँ और तू परी है, number one अपनी जोड़ी है। Gully boy अरे रानो तू है जा जा लेकिन हुआ क्या तुझे अभी तक नहीं पता हमारे बॉस कपाली पर हमला हुआ है उसी की तलाश कर रहे हैं तू जा हमने सर्जरी कर दी है पर क्या हेड इंजरी की वजह से वो कोमा में है जस्ट वेट फॉर 48 आवर्स भगवान रक्षा करेंगे शहर का ये बेस्ट हॉस्पिटल है और तू बेस्ट डॉक्टर और तू बोल रहा है भगवान उनकी रक्षा करेंगे अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो वो भगवान तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा सूरी चिंता मत करो भाई ठीक हो जाएगा मैं हूं ना यहाँ ए एमएलए तुझे क्या लगता है मैं तेरा वोटर हूँ जो मुझे इस तरह सपने दिखा रहा है तेरे होते हुए भी मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे हुआ अगर मेरा भाई ठीक नहीं हुआ ना तो उससे पहले तेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा मैं सीधे क्राइम सीन से आ रहा हूँ चीजें देखकर लग रहा है ये काम किसी ग्रुप का नहीं है सिर्फ एक अकेले आदमी का है बस बैट का दूसरा हिस्सा मिल जाए बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो जिसने भी ये किया है उसने पीछे से हमला किया है और सर पर चोट का निशान देखकर तो यही लगता है कि वो लेफ्टी है 3 दिन लगेंगे मुझे इंजन चेक करना होगा अच्छा ठीक है राणा ठीक है हेलो हेलो मिस्टर राणा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं थैंक यू सर थैंक यू पूरे शहर में ये बात फैला दो कि मेरे भाई पर बैट से हमला हुआ है और जिस किसी पर शक हो से उठा लाओ कोई भी नहीं बचना चाहिए कपाली पर किसने हमला किया होगा सर हाँ कपाली के दुश्मन पूरे शहर में है तो ये काम किसने किया है पता लगाना मुश्किल है तुम लोग इतना पैसा कभी नहीं कमा पाओगे पता लगाओ मेरे भाई पर किसने अटैक किया है फिर ये सब तुम्हारा भूखे शेर को काबू में करना मुमकिन है पर सूरी को काबू में करना नामुमकिन भगवान भी नहीं बता सकता आगे क्या होगा सूरी अपन को तो लगता है मूर्ति और प्रकाश में से किसी ने अपन के भाई के ऊपर हमला किया है तेरी लाश मिलेगी वो भी पूरे शहर में टुकड़ों टुकड़ों में उठ उठ
चल चल बाहर, आ जा बाहर। हाँ, तेरी ये बचान दूर दूर पाली भाई को हमला करेगा, मैंने क्यों पाली भाई को नहीं मारा? मैं तो बीमार पड़ा हूँ, तेरी इधर ही मार। सूरी, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया? हाँ, वो हॉस्पिटल में प्रिया ने झगड़ा होते हुए देख लिया तो डरी हुई है, रूम से बाहर ही नहीं निकल रही है। तुम जाकर देखो ना बेटा एक बार। जी ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। स्वीटहार्ट, ए प्रिया, ए चलो उठो, ऐसे हंगामों से घबराओ मत, चलो उठो। क्या हुआ जान? मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी। क्यों? मैंने वहां एक आदमी को बुरी तरह पिटते हुए देखा। अरे इसीलिए तो वो लोग गुंडे मवाली कहलाते हैं, और उनके लिए ये चीजें आम बात हैं। हमें इनसे दूरी बनाकर अपना काम करते रहना। चलो मेरे गाँव चलते हैं और तुम माँ से भी मिल लेना। सुनो ना, मुझे कुछ याद आया। हाँ, मम्मी बाहर है। ओके। मैं परंपराओं को मानने वाली लड़की हूँ। तो तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है रोमांस के लिए। चलो गांव चलना है। जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सोच तू प्रकाश है और मौत तुझे मेरे रूप में घूर रही है, तो तू क्या करेगा? ये जानकर कि तू अब मरने वाला है, क्या तू खुश नहीं होगा कि तू ही था जिसने मेरे भाई पर हमला किया था? क्या तू दया की भीख मांगेगा? ये किसी और का काम है। परफेक्ट मैच है सूरी भाई। जिस जगह पर कपाली भाई पर हमला हुआ था ना, उससे बस कुछ ही दूरी में हमने ये गाड़ी रोकी भी थी। फिर तो ये वही है। फॉरेंसिक वालों ने भी कहा है सूरी कि अटैक करने वाला लेफ्टी है, और ये भी लेफ्टी ही है। कोई फोन लगाओ उसे। तुम्हारे साथ हूँ ना, तो फोन क्यों चाहिए? किसी का चेक तो करने दो। नहीं, वापस आने तक फोन स्विच ऑफ रहेगा, तब तक तुम सिर्फ मुझे सुनोगे। ओके बॉस। बॉस नॉट रीचेबल। फिर से कॉल करो, बार बार करते रहो, और अगर वो फिर भी नहीं उठाता है तो उसे इस दुनिया से उठा दूंगा। जल्दी ही इसका सिलेक्शन हो जाएगा, और तुम्हारे मम्मी पापा भी शादी के लिए राजी हो ही गए हैं। मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, जल्दी शादी हो जाए। देख रहा भाई, सास बहू कितनी जल्दी एक दूसरे के करीब आ गई। हाँ हाँ, अभी सब ठीक है, एक बार शादी हो जाए फिर सास बहू का ड्रामा देखना तुम। अरे वशकर यार, डरा मत। डरा नहीं रहा, सावधान कर रहा हूँ। बस इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हें, है ना? माँ बातें ही करती रहोगी या खाना भी खिलाओगी? अब मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी पूछना है अपनी बीवी से पूछो। देखा, शो शुरू हो चुका है। मौसी। हाँ। ए राना। अरे पुनीत, तू कब आया? आज ही आया हूँ। नमस्ते मौसी। क्या रे पुनीत, तू तो बहुत दिनों बाद आया। मौसी मेरी शादी तय हो गई है, तू न्योता देने आया था। अरे क्या बात कर रहा है, दिखा जरा। हमें कुछ भी बताए बिना तूने खुद ही सब कुछ कर लिया। अरे बस अचानक से सब कुछ हो गया। सुन एक मिनट। हाँ बोल, क्या बात है? आज एक बैचलर पार्टी रखी है, तुझे आना ही पड़ेगा समझा? अरे पर मुझे तो वापस जाना होगा। बहाने मत दे, चल शाम को आ जाना, बहुत एंजॉय करेंगे, चला जा। बिल्कुल डन डील। पर यार तू आ रहा है बस। अशोक,
राणा कहाँ है? अरे अब वो फैमिली वाला आदमी हो गया है, हमारे साथ कहाँ रहेगा? बहुत देर से फोन लगा रहा हूँ, नॉट रीचेबल बता रहा है। तू बताना क्या बात है? कपाली पर जिस बैट से हमला हुआ है वो उसकी कार में मिला है। सच सच बताना, क्या किया है उसने? क्या बकवास कर रहा है, तू अपने दोस्त को नहीं जानता क्या? अरे उसके खिलाफ सबूत ही ऐसे हैं। सूरी और उसकी गैंग वाले राणा को ढूंढ रहे हैं। तुम लोग जहाँ कहीं भी हो निकल जाओ वहाँ से। हाँ बोलो सूरी। उस टैक्सी ड्राइवर का मामला मुझ पर छोड़ दे, तेरे डिपार्टमेंट को इसमें शामिल मत कर। ठीक है, ध्यान रहे न्यूज बाहर नहीं आनी चाहिए। सर आपका स्टार्ट है। अगर हम रोज शराब पिएंगे तो लोग हमको बेवड़ा नहीं बोलेंगे। शराब पीने का कोई रीजन मांगता है ना भिड़ू? तो फिर ये ले। अब इसका क्या करूं? बस चट्टान से गिरी और 20 लोग मर गए। मिल गया ना रीजन। क्या रे, पुराना का दोस्त है ना? ये तो हर कोई जानता है, उसमें नई बात क्या है? लगता है तुम बार में नए आए हो। बहुत पीली चाल। शिकार करने वाले बाघ को और बार में पीने वाले इंसान को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। निकलो और दोबारा मत आना यहाँ। चलो। मैं क्या बोल रहा था? ये अपना शहर है। अपना शहर का किंग कौन? तू गया नहीं अब तक? देख क्या रहा है? आगे निकाल के गोटियां खेलूंगा। हाँ अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं आदमी नहीं रहता। कहने का मतलब इंसान नहीं रहता। हाँ चल के जाना चाहता है यह लाश बनकर। डिसाइड कर ले। डिसाइड कर वे। मेरा बाप मुझे बनियान में देखकर शर्मिंदा होता है और तू मुझे नंगा देख रहा है। इतने कंफर्ट जोन में कैसे हो तुम लोग? बार में तो बहुत पुदक रहा था तू, हवा निकल गई तेरी। ठीक है बॉस, वो दारू चढ़ी हुई थी मेरे दिमाग में, मार खा के बिल्कुल होश में आ गया हूँ। ब्रो वाह, तेरा भी नंबर लग गया। हमने उसके दोस्तों को पकड़ लिया है, अब राणा का बचना नामुमकिन है। भाई ये लोग बोल रहे अपने राणा ने कपाली पे अटैक किया है, कहाँ है राणा? आरे क्लोज बेबी, कुछ कुछ रिम है आती रे, ते दिल रोज बेबी, ऐसे कैसे दे दूँ रे, आऊँगा पीछे पीछे, गड़बड़ हो जाएगी रे, आऊँ क्या घर में चुपके, ना ना सब देखेंगे रे, ए वल्ला 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 तू है नॉटी नॉटी सुंदरी, वल्ला 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 तेरी अदा है नशीली, है तमन्ना हर परवाना चाहे तुझको मंजली, जिसके लिए मैं गली गली घूमा तू है वो ताजा कली। गली नोटी गली फिर गलवा है बल्ले, तू है कोई जंगली बिल्ली, मैं लड़का फ्रॉम हुबली, आएगा आएगा मैं हूँ फूलों में ना सो पली, देखो देखो यू ना देखो अभी अभी हूँ खिली, बातों में मुझको फंसा के ना कर दिल में खलबली, जानू मैं तेरी सब जाले ना आऊंगी चलिए। मुझको सब खबर तेरी, जो मैं इशारा कर तो उड़ जाए नींदे सबकी, जो मेले में जाओ और हो जाएगी सनसनी, जिससे अकेले मिलो किस्मत उसकी है चमकी, नौटी 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 सारी हरकत है तेरी, नौटी तू कह दे हाँ लिख दो मैं तुझको अपनी प्रॉपर्टी, बन जा मेरी फिर ये मुंडा चाहेगा तुझको बुल्ली, तू अपने दिल का खोल दे कुंडा, आने दे दिल की गली, कर दे बल्ले बल्ले एक लुक ले के दिल ले ले,
कभी कह दे मिलना अकेले, आऊंगा दौड़े चले। सिल्क साड़ी लाऊं नाना फिसल जाएगी, क्या कमर बंद लाऊं नाना ये झुक जाएगी, झुमके कानों के लाऊं नाना नजरें लग जाएगी, चुम्मा लपे ले लूं बदनामी होगी। चलो चलो जाओ मीठी बातों में ना आऊंगी, जानू मैं सब नियत तेरी चालों में ना आऊंगी, पहले तुझको परखूंगी मैं भूत तेरे संग आऊंगी, तू भरोसे लायक होगा तब भी दिल में बसाऊंगी। अरे सुनो चलो। ऑटो आओ बैठो भैया, जयनगर बैठिए सर। अरे मणि तू यहाँ कैसे? बस अभी काम खत्म करके घर जा रहा हूँ भाई। आपका फोन बंद आ रहा है और दिखे भी नहीं कुछ दिनों से। किसी ने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया था। ऐसा क्या? ये सब छोड़, ये बता मेरी कार रेडी हुई कि नहीं? हाँ वो तो रेडी है। अरे क्या हुआ तुम्हें? ए मणि, अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो आखिर बात क्या है? ये मजाल, कपाली भाई पर हमला करके शहर से रफू चक्कर हो जाएगा, ऊपर से आइटम को लेकर घूम रहा है। क्या कहा? कपाली, मैंने किसी पर कोई हमला नहीं किया। हमारे साथ सैनपट्टी कर रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना, इसे छोड़कर आने दो। छोड़कर काय को? अब उठ रख लेते इसको। Buy one get one? अच्छा। पकड़ इसको। छोड़ो मुझे। छोड़ो। पूरा एरिया हमारे कंट्रोल में है सूरी, यहाँ से उनका भागना नामुमकिन है। अरे प्रिया चलो रुको मत। ए, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, वो ट्रैवल वाला लड़का अपने एरिया में घुस गया है, बॉस ने कहा है उसे ढूंढो, वो बचना नहीं चाहिए। तुम
उसने कपाली पर अटैक क्यों किया? अरे पागल हो गई हो क्या? 3 दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पापा शुरू से ही पुलिस की नौकरी के खिलाफ थे, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी। कैसे समझाऊं? पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले ये हाल है, पता नहीं आगे क्या होगा। देखो प्रिया, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, पहले घर पे कॉल करो, ये लो, और मम्मी पापा को बोलो कि तुरंत वहाँ से निकल जाए। पापा को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। प्रिया प्लीज सिचुएशन समझने की कोशिश करो, लो कॉल करो उन्हें, ये लो। वो दोनों स्क्रैप रोड पर है सूरी। हाँ, सारे लड़कों को फोन करो, कल्की को टाउन हॉल की तरफ आने बोलो, कलासीपालिया साइड से उन्हें लॉक करेंगे, इस बार वो नहीं बचेगा। हेलो राणा, कहाँ है तू? यार कपाली पर मैंने हमला नहीं किया। जिस बैट से उस पर हमला हुआ था वो तेरी कार में मिला है। वो कार एक ट्रैवल एजेंसी की है, दिन में न जाने कितने लोग इस्तेमाल करते हैं उसे, उन्हें कोई कंफ्यूजन हुई है। मैं बात करता हूँ सूरी से, और भला मैं क्यों अटैक करूंगा? सूरी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है भाई। तो मैं क्या करूं? ठीक है, अभी तू कहां पर है? स्क्रैप रोड की एक छोटी सी गली में। और कोई जगह नहीं मिली तुझे? क्यों? वहां की हर गली में सूरी की गैंग वाले हैं। भाई तू फंस चुका है। अरे तुम क्यों डर रही हो? अगर आज तुम साथ नहीं होती ना, तुम की तो कोई जरूरत नहीं है राणा, क्योंकि ये लड़ाई आज खत्म होने वाली नहीं है, आज या कल वो हमें मार डालेंगे। मेरी मानो, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। ठीक है चलो। उतर जाओ, चलो चलो। प्रिया, अरे डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज तो तू गया, आगे कुआ पीछे खाई। वहां से सूरी बॉस आ रहा है, तू वहां से हिला तो एक झटके में तुझे काट के रख देंगे, और तू अगर रुका तो मैं तुझे यहीं ढेर कर दूंगा। अब तू ही तय कर कैसे मरेगा। जाने मान, अरे फिकर मत करो, ऐसा नहीं है तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा, हम सब है ना यहाँ पे, मंडे टू संडे फॉर रोज मंडे। डरो मत, कुत्तों का भौंकना बंद करवाने के लिए शेर को दहाड़ना ही पड़ता है, और जब तक मैं तुम्हारी ढाल हूँ तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सूरी भाई आने से पहले इसका हिसाब बराबर कर दो, चलो। Watching
ಎಂತ ಸಿಟ್ಲ ಇವನು ಚಟ್ಟ ಪ್ರಚಂಡ ಇವನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಡಿಸೋ ಸಿಡಿಲು ಇವನು ದೂರ ನಿಲ್ಲಲೇ ಎಂತ ಸಿಂಹ ಇವನು ಚಟ್ಟ ಪ್ರಚಂಡ ಇವನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಡಿಸೋ ಸಿಡಿಲು ಇವನು ದೂರ ನಿಲ್ಲಲೇ अरे सर सर समझने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है। अरे हमने किसी को भनक नहीं लगने दी कि हमारी जिंदगी कैसी चल रही है और तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सर मैं क्यों हमला करूंगा कपाली पर? ए तू क्या संभालेगा फैमिली को? तू इन गुंडों के हाथों किसी दिन मर जाएगा, मेरी बेटी तो रोज रोज इसी चिंता में पड़ी रहेगी। प्रिया प्लीज तुम इन्हें समझाओ। तुम चिंता मत करो प्रिया, तुम बस कुछ दिनों के लिए अपने घर वालों के साथ रहो, उनका ख्याल रखो, सब ठीक होते ही मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तुम भी चलो मेरे साथ। देखो प्रिया, अगर इन गटर के कीड़ों को अभी सबक नहीं सिखाया तो तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। अब या तो ये नहीं या मैं नहीं। लव यू प्रिया, अपना ख्याल रखना, जल्दी आऊंगा। जाओ प्रिया, जाओ यहां से, मुझे कुछ नहीं होगा। ए, सब कुछ बर्बाद कर दो। उसे पता होना चाहिए कि उसने किससे पंगा लिया है। मुझे लगता है कि तुझे शहर छोड़ देना चाहिए। क्या? मैं क्यों शहर छोड़ के जाऊं? मैं क्यों भागूं? देख रहा ये शहर किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ रहने वाले लाखों लोग जो अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं वो सूर्य कपाली के दम से नहीं जी रहे हैं, समझा? पुलिस पर भरोसा है उन्हें, और जो आदमी उसी डिपार्टमेंट में काम करेगा उसे क्या इनसे डर के भाग जाना चाहिए? ये बेइज्जती होगी उस खाकी वर्दी की जो मैं पहनूंगा। अरे मेरे दोस्त इस पचड़े में मेरी वजह से हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ यार? उनको तो वो पीट पीट के घर भेज देंगे, पर तू पकड़ा गया तो तुझे जान से मार देंगे। ऐसे डर के भागने से तो लड़के मरना बेहतर है। तू पागल हो गया यार, छोड़ मुझे। बकवास कर रहा है ये, प्लीज सुन ले यार। सर, उस ट्रैवल वाले लड़के ने कपाली पर हमला नहीं किया है। इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि जिस वक्त कपाली पर हमला हुआ था उस वक्त वो हमारे किसी बंदे को एयरपोर्ट ड्रॉप करने गया था। वैसे वो कोई भगवान तो नहीं जो दोनों जगह पर एक साथ हो। अब तो तुम लोगों को भगवान भी नहीं बचा सकता। अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ कपाली है। क्या मतलब है तेरा? कपाली के होश में आने के बाद ही सूरी को सच्चाई का पता चलेगा। मुझे शक है उसी आदमी ने कपाली पर अटैक किया है। कौन सर? कल रात को रेड में 6 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक लड़की 2 लौंडों के साथ थी। लड़कों के पास कपाली का वॉलेट मिला, मैंने उन्हें अरेस्ट नहीं किया, छोड़ दिया, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था वो जाते कहां है। चले दोनों यहाँ बैठे ले हैं, अब पीड़ फूक रहे हैं। एक काम दिया था तेरे को, वो भी ठीक से नहीं कर पाया। सिर्फ इतना बोला था कुछ दिनों के लिए तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाओ। हल्के में लिया मुंह मारने चले गए, वाट लगा दी मेरी। भाई सॉरी भाई। ए, कपाली का बटुआ तेरे पास है? मैंने इसे कहा था कि मत ले पर ये। अरे कहा है बटुआ? दे दे मुझे। सुन अभी के अभी इस शहर से निकल जा, वरना ऐसा ना हो तुम दोनों की वजह से अपन की टिकट कट जाए। इले पकड़। ये तो आधे ही पैसे हैं भाई। है? कपाली को तूने जान से मारा है क्या? बोल, अगर मेरे प्लान से तू कपाली को मारा होता तो पूरे पैसे मिलते। हमारी क्या गलती है भाई? उसे मारने के लिए सही वक्त और जगह ढूंढ रहे थे। 9 बजे वो अप्सरा होटल के अंदर गया था, हम उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम अंदर गए पर वो कहीं दिखा नहीं। हमें नहीं मालूम वो कहाँ चला गया, हमें लगा अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया होगा। हम वहाँ भी गए लेकिन ताला लगा हुआ था वहाँ। वहाँ से लौटते वक्त हमें उसकी कार मिली रोड पर, और देखा कि वहाँ कपाली की डेड बॉडी पड़ी है। बॉस हमें फिर कुछ सूझा नहीं और हम वहाँ से भाग निकले। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया तुम लोगों ने। सर
मामला क्या है? कपाली का सारा कलेक्शन अपन ही संभालता था। अपन की आंखों के सामने करोड़ों का कलेक्शन होता था। इतना पैसा आप सोच भी नहीं सकते। सामने करोड़ों पड़े हैं, पर छू भी नहीं सकता। मेहनत हमारा और प्रॉफिट उसका। और फिर एक दिन अपन के दिमाग में कपाली को खत्म करने का प्लान आया। सटक गई थी मेरी। तुम चिंता मत करो सर, कपाली तुम्हें जितना देता था उससे डबल पैसा मैं तुम्हें देगा। हाँ कह दोगे तो फायदे में रहोगे। यार हम पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते। इससे अच्छा हम कमिश्नर ऑफिस या कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर, वो भी कमिश्नर ऑफिस या कोर्ट में, इन सब में बहुत टाइम लगता है और ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है। और कपाली के लोग भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। हम पकड़े जाएंगे यार। ये हम कहां फंस गए यार, अब हम क्या करेंगे? मुझे एक कार चाहिए। किस लिए? कपाली की रखेल को किडनैप करना है। अरे राणा, अब ये कौन सी प्लानिंग कर रहा है? मुझे तो लगता है कुछ गलत होने वाला है। देख रहा है चारों तरफ कितनी टाइट सिक्योरिटी है। मुझे नहीं लगता राणा इस सबसे निकल पाएगा। अगर किसी वजह से कपाली और सूरी दोनों मर गए तो बात अलग है, पर क्या तुझे लगता है उनके लोग तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये शहर छोड़ना पड़ेगा। कपाली की रखेल सच में यहाँ रहती है या सिर्फ सुनी सुनाई बात है? अभी मैं वो सब नहीं जानता। मुझे डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। जाने दो मुझे। भाई, भाई। ये सोच के ढूंढ रहे हैं कि कपाली पर मैंने हमला किया। अब सुनो, सूरी को कॉल करके बोलो कि मेरे दोस्तों को छोड़ दे। मैं बोलूंगा तो वो सुनेगा नहीं, शायद तुम्हारी सुन ले। मुझे पता है जितनी जरूरी तू कपाली के लिए है उतनी ही जरूरी सूरी के लिए भी है। वो तेरे लिए कुछ भी करेगा। तुम्हें पता है इसे पुलिस की जॉब मिल गई थी और शादी करने वाला था, लेकिन अब देखो इन सब चक्कर में इसे क्राइम करना पड़ रहा है। ये अब भी चल रहा है। सुन यार, निहाल को कॉल लगा। हेलो निहाल। क्या हुआ राणा? यार कपाली मर गया। एक कपाली था जो तुम्हें बचा सकता था, अब वो भी गया। सब खत्म, अब सब खत्म हो गया। इंसान गुस्से में हैवान बन जाता है, पर ये सूरी तो पहले से ही हैवान है यार। ए, तुम दोनों को अपन आखिरी बार पूछ रहे हैं कहाँ रहना? मैं बस शरीर से ही हट्टा कट्टा लगता हूँ। धार सुनकर मेरी पतलून गीली हो जाती है। ऐसे नहीं मानेगा सूरी। चल उठ मोटे, तू नहीं जानता ना। सूरी ये अभी भी फड़फड़ कर रहा है। ए, जाओ और इसके घर के सामने इसकी लाश फेंक दो। चाहे वो इस शहर में कहीं भी हो, उसे मेरे पास आना ही होगा। और अगर वो नहीं आया तो उसके दूसरे दोस्त की लाश भी कहीं फेंक कर आएंगे, फिर वो जरूर आएगा। तुम लोग जाओ और सरेंडर कर दो। हाँ बॉस।
सूर्य बिन चंदा बिन खाली अंबर सारा, बंधु संबंधी बिन सोना जग सारा। धैर्य क्या हुआ यार? उन लोगों ने गिरी को मार डाला। उड़ गया जैसे। और अगर तूने सरेंडर नहीं किया ना तो प्रवीण को भी मार डालेंगे। बचपन से हम लोग साथ खेले और एक दूसरे की मदद की। मौत हमारे सर पे मंडरा रही है। मुझे कॉल करने से खतरा बढ़ सकता है। रिस्क है। हालात समझने की कोशिश कर मेरे यार। तू ही मेरा इकलौता दोस्त है। मैं तुझे खो नहीं सकता। तू यहाँ से भाग जा मेरे दोस्त। अशोक, कुछ लोग आए यहाँ और सब खत्म करके चले गए। उन्हें बता दो राणा कहाँ है। आंटी, मैं अभी तक उससे नहीं मिल पाया हूँ। आंटी, आंटी, मैं राणा बोल रहा हूँ। आंटी राणा, मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। मुझे डर लग रहा है कि वो गिरी की तरह मेरे बेटे को भी मार डाले। आंटी, आप रोइए मत। मैं आपसे वादा करता हूँ आंटी, मैं प्रवीण को सही सलामत ले आऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है आंटी, प्लीज रोइए मत। पहचाने सारे रास्ते, अब लगे दुश्मन से। कहाँ गए वो यार वो बंधु, कल थे संग संग जो। ये कैसी गिरी है बिजली, सब कुछ जला रही जो। क्या हुआ पूछे सब। यह गिरी बिना बात के सिर्फ तेरी वजह से मारा गया। उत्तर कुछ भी नहीं मिलता, प्रश्नों को प्रश्न ही मिलता। कोई शब्द नहीं मेरे पास, अकेला हूँ चलता। ये समय ही समय ही सब दर्द की है दवा। विधिया समय ही समय सबसे बढ़कर है। सांसों पे शर्त है लगे, जीना में अर्थ ही लगे। हर तरफ एक सुरंग है, घुप अंधेरा। मुश्किल में है सभी घिरे, सच है ये। बाहर निकलो, चलो आओ बाहर। देखो, तुम्हें किडनैप करने के लिए सॉरी। ये पैसे लो और जितना हो सके उतनी दूर चली जाओ। चल गाड़ी निकाल। भाई, हम उस लड़की की मदद से उस सूरी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। वो हमारे किसी काम की नहीं थी। तू भी घर जा। और तू? मैं सूरी से मिलने जा रहा हूं। अरे, दिमाग खराब है क्या तेरा? गाड़ी साइड में रोक दे। ए राणा, ए राणा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। चल, ऐसा मत कर यार। गिरी मेरी वजह से मारा गया, मेरे साथ तू भी खतरे में पड़ जाएगा। कम से कम तू तो शांति से जी। भाई, मेरी बात सुन, कोई और रास्ता निकाल दे। मेरे सारे दोस्तों को मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे वो। ये रख, अब सब खत्म हो गया है। कब तक भागूंगा मैं? अब और नहीं यार। सुन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्रिया और माँ को बोलना कि हो सके तो मुझे माफ कर दे, प्लीज यार। अब या तो कपाली के हत्यारे को ढूंढना होगा या ये कबूल करना होगा कि उसे मैंने ही मारा है। मेरे पास यही दो रास्ते हैं। अशोक, अभी जिस लड़की को रास्ते में उतारा, कपाली पर अटैक वाले दिन वो मेरी कार में आई थी। और सब कहते हो कभी बाहर नहीं निकलती, तो फिर वो उस रात बाहर क्यों आई थी? उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। बेटा बेटा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको बेटा, गाड़ी रोको बेटा। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। हमारा घर पास में ही है, राजा जी नगर से ब्लॉक। आइए ना, वहां तक छोड़ दो। अंदर आजा। अरे आना, आ बैठ। हाँ बैठ।
आप कहें तो हॉस्पिटल छोड़ दूं? नहीं बेटा, घर पर अच्छे से आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, घर पर ही छोड़ दो। मैडम कहाँ जाना है? कपाली पर हमले और उस लड़की के बीच कुछ तो कनेक्शन है, हमें पता करना होगा। का मुंह खुलवाने के लिए मैंने उसे बहुत पीटा, एक खींच के दिया ना तब उसने मुंह खोला, तब जाकर अपने कलेजे को ठंडक पहुंची। उस लड़की ने मारा है कपाली को। उस रात जब मैं काम के बाद घर जा रही थी तो मैंने देखा कि उसके सिर पर बैट से लगातार मारी जा रही थी। मैं बस कुछ किए बिना वहां खड़ी रह गई, फिर मैं वहां से चली गई। भागते वक्त मैंने तुम्हारे आदमियों को देखा तो डर गई, मुझे लगा कि वो लोग इस लड़की को मार डालेंगे, इसीलिए मैं उसके पास वापस गई। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, वो बेसुध वहाँ पर बैठी हुई थी, उसे तो पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। उसके लिए डर लग रहा था, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए मैं उसे घर ले आई। यही सच है बॉस, उस लड़की का नेकलेस इस औरत के पास ही है। ए औरत, सच बता, तू उस नेकलेस की वजह से हमारे साथ ये नाटक कर रही है ना? नहीं साहब, वो नेकलेस उसने मुझे खुद ही दिया था, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की है। बॉस, उस लड़की के पेट में बहुत दर्द था, उस रात कपाली भी घर पे शराब पी कर आया था और फिर दोनों वहाँ से हॉस्पिटल चले गए थे। अबे, तुम लोग उस वक्त कहाँ थे? भाई, कपाली बॉस ने उस रात हमें कुछ काम से बाहर भेज दिया था। तो फिर वो बैट टैक्सी में कैसे पहुँचा? वो बैट उस लड़की के पास ही था साहब, मैंने ही उसे लेकर कार में पीछे की तरफ रख दिया, ड्राइवर को पता नहीं चला था। ये खबर बाहर नहीं जाना ठीक है, जो भी देखा जो भी सुना सब यही रहेगा। ठीक है। राणा के साथ मेरा कुछ पुराना हिसाब अभी भी बाकी है, वो भी सूद के साथ। और ये औरत? इसे कहीं दूर ले जा और खत्म कर दे। बॉस, वो लड़की बहुत नमकीन है, सूरी से पहले वो अगर हमें मिल गई तो। सूरी से पहले वो लड़की मुझे चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, रिक्शा स्टैंड, सब जगह ढूंढो उसे। ठीक है बॉस। आसपास किसी घुंघराले बाल वाली लड़की को देखा तूने? घुंघराले बाल वाली? अभी उसे मेन रोड पे छोड़ा है। ले चल वहां। उसके साथ एक और औरत थी, वो काम वाली, उससे हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। मैंने ही कपाली को मारा है, जाओ ये बात सूरी को बता दो ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो मर गया है ये सोचकर मैं उस जगह से चली गई थी, मैंने उसे उसी बैट से मारा जो तुम्हें कैब से मिला। सूरी, अब उनको लगता है वो लड़की जरूर राणा को सब कुछ बता देगी।
नमस्ते बॉस। सलाम भाई। सलाम भाई। हमने लोकल कॉन्ट्रैक्टर की बेटी को किडनैप किया है। उसका बाप बड़ा करोड़पति है। क्या? सही सुना, वो इंडिया के टॉप 50 अमीर लोगों में से एक है। और मेरी मानो, इस किडनैपिंग की खबर मीडिया में आएगी ना तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। कई सारे मिनिस्टर्स के फोन कंटिन्यूसली बिजी हैं। बॉम्बे पुलिस को अलर्ट पे रखा गया है। फिरौती तो दूर की बात है, अगर हमने माफी भी मांगी ना तो हमें ये लोग काट डालेंगे। अगर पुलिस को हमारे बारे में भनक भी लग गई ना तो पुलिस वालों की बुलेट हमें चुन चुन के भून डालेगी। अब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। प्लीज उसे कहीं छुपा दीजिए। सोरे क्या नाम है तेरा? कहाँ रहती है तू? बोल, कुछ तो बोल। ये क्या है? इसे तो कुछ याद नहीं है। ए, क्या है तेरा नाम? जल्दी बता। बोल। भाई, सर पे चोट लगने की वजह से सब भूल चुकी है ये। हेलो कपाली, एनकाउंटर लिस्ट से तुम्हारा नाम बाहर है, अब तुम शहर में आ सकते हो। हर कोई उसके बारे में अलग अलग बात कर रहा है। तुम हो कौन? पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस मुझे इतना याद है कि कपाली ने मुझे जबरदस्ती कैद किया था। कब तक इस एक ही लड़की के पीछे पड़ोगे? अंधेरे में तो सारी एक जैसी हैं। रिस्क क्यों लेना, बस मजे लो और जाने दो। भाई, किस्मत ने आज हमारी झोली में दौलत और औरत दोनों एक साथ डाली है। मानो जैसे एक के साथ एक चीज फ्री मिली है। अगर इसके रिश्ते की अनाउंसमेंट होती ना तो हीरोज, बिल्डर्स, मिनिस्टर्स के बेटे सब लाइन लगाकर खड़े हो जाते। भाई ये हाई क्लास की बात है, इसलिए मैं इसका मजा लेने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। सूरी कहाँ जा रहा है? वो हमसे मिलना चाहती है। जिस वक्त वो मिलेगी उस राणा को खत्म कर दूंगा। अगर वो लड़की चाहती तो कहीं भी भाग सकती थी, लेकिन भागने की बजाय उसने हमारी मदद की। सूरी उसे मारने की कोशिश करेगा। हम बिना कुछ किए इतनी चीजों से गुजर चुके हैं और उसने तो गलत किया, तो भुगतने दो उसे। ये कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ है वो लड़की? पहले मेरे दोस्त को छोड़। पहले उस लड़की को दे, सुबह तक तेरा दोस्त मिल जाएगा। तो जैसे चवन्नी छाप क्रिमिनल पर यकीन कर लूं? पागल समझा क्या? चुपचाप पहले मेरे दोस्त को छोड़। बच्ची, ए, सूरी बॉस का फोन है। हाँ बॉस बोलिए। ए, उस लड़के के दोस्त को छोड़ दे। पर क्यों बॉस? अबे बेवकूफ, मैं तेरा बॉस हूँ या तू मेरा? क्यों पूछता है? सब तुझसे पूछ के करूँ क्या? हाँ अभी छोड़ता हूँ बॉस। मैंने बोल दिया उसे छोड़ने के लिए। कहाँ है वो लड़की? मुझे फॉलो कर। उस लड़की का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तू ले जा इन्हें, जा इनके साथ। कहाँ है वो?
जा दिखा दे। आओ मेरे साथ। अरे तुम सब इधर ही रुको, मैं आता हूं तुम्हारे साथ। कहां ले जा रहा है? बस इधर ही। सूरी जितना जल्दी हो सके मुझे खत्म कर दो। ए, वो टकले यहां से। तो मैं और राणा दोनों जा सकते हैं ना? ए, तुम दोनों बाहर ही रुको, अपन आते हैं। कौन है? ले जा रहे इसको। ए, चल रहे। बस मुझे ये बता दो कि मैं कौन हूँ, इसके बाद मुझे मार देना। लेकिन मैं कपाली की बीवी के नाम को लेकर नहीं मरना चाहती। अरे क्या हुआ इन्हें? ठंड लग गई तो अंदर बैठ गए। ए रामू, कल की सूरी, मोबाइल में टावर नहीं मिल रहा है, गाड़ी के पहिए भी पंक्चर है। इसका मतलब अपन ने उसका शिकार नहीं, उसने अपन लोगों को शिकार बना लिया है, पूरा उल्लू बनाया। रुकेंगे तो मारे जाएंगे, चलो भागते यहाँ से। मैं उन लोगों में से हूँ जो झुंड के साथ अकेले लड़ता है, अब उस एक की वजह से भाग जाऊं। हथियार उठा। सूरी मेरी बात मानो, उन्हें कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना। कहाँ है वो? ढूंढो उन्हें। सूरी और बच्ची उस लड़की को ले गए, उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर पर गया, फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम सर। इसने थाने में भी यही कहा था सर, कपाली को इसने नहीं उस लड़की ने मारा है। कपाली के भाई सूरी ने भी ये बात कंफर्म की है, हालांकि सूरी का भी कोई पता नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सूरी के दुश्मनों ने उसे खत्म किया है? ये तो मैं भी गारंटी से नहीं कह सकता। उस दिन सूरी के साथ 8 लोग थे और सब मिसिंग है। अगर ये मामला मर्डर का है तो कहीं ना कहीं सबूत जरूर मिलेगा। आसपास मंडराना भी खतरनाक है और तू इसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, तेरे इतने टुकड़े करूंगा, तेरे माँ बाप और दोस्त उनका भी वही हाल होगा। अच्छा, अपने माँ बाप और दोस्तों की वजह से हम तुझ जैसे कीड़ों के मुंह नहीं लगते। अगर कुछ देर के लिए भी उनकी फिक्र दिमाग से निकाल देना तो बिना रिजर्वेशन के तुम्हारी ऊपर की टिकट कटने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। जितने लोग इस शहर में तेरे नाम से डरते थे अब सोचेंगे कि तू गायब कहाँ हो गया। Oh!
राणा, तू तो भाई है ना मेरा। तूने ये सब करके और भी मामला बिगाड़ दिया है। और तो और, अब पुलिस शांत नहीं बैठेगी। कोई क्रिमिनल केस लग गया तो पूरा करियर खराब हो जाएगा। किसी को बाहर पता चलेगा तब ना। कुछ दिन पहले मुझसे मटन मिक्सिंग प्लांट शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे थे ना। एक हत्या अपने पीछे कई सबूत छोड़ जाती है, लेकिन इतने लोगों की हत्या करना और बॉडीज को डिस्पोज भी करना, ये तो बहुत मुश्किल है। बस एक सबूत मिल जाए सर। तो फिर तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ये इनोसेंट है सर, इसे जाने देते हैं। सुनो, छोड़ दो उसे। ठीक है सर। सर, उस बच्ची ने कपाली का बहुत माल अंदर किया था और इस बारे में कपाली और सूरी दोनों को पता था। जरूर उन तीनों के बीच कुछ लफड़ा हुआ है सर। क्या कर सकते हैं। उठो 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 उठो। मेरे पैरों पर क्यों गिर रहे हो? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सुनो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। पुलिस वाला बनना चाहते हो ना? हाँ सर। जब ड्यूटी ज्वाइन कर लेना तब मुझे सैल्यूट करना। जाओ। ठीक है सर। थैंक यू सर। अच्छा सुनो, इस मामले की तह तक जाओ, लेकिन अनऑफिशियली। किसी को इस मामले के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हो जाएगा। बेटा, रजनी। सर, सर प्लीज इनसे कुछ मत पूछिएगा। पानी पी लो। प्लीज डोंट फील बैड। हाँ कहिए ना सर। कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं समझ में नहीं आ रहा बेटा। महेश, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, प्लीज प्लीज एक्सेप्ट दिस। सर, इतने पैसे होने के बावजूद आपको अपनी बेटी वापस नहीं मिली थी। और सर, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि पैसे मेहनत से कमाओ, किसी की मदद करके नहीं। मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है। चलता हूँ।